तो गाइज आज है संडे, तो आज हम आराम तक सो रहे हैं। तो देखो 10 बज गए, अभी तक कोई नहीं उठा है। अब पलक के डैडी उठ चुके हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो भाई जिसे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। तो आज है संडे और संडे के दिन आज क्या बनेंगे सबको पता है। आज हमारे यहाँ क्या बनता है, तो बनता है आलू का पराठा। क्या बनता है फिर? तो भाई हम सब नहा लिए यार, पता है देखो अर्पित भी नहा लिया, मैं भी नहा ली, डैडी भी नहा लिया इसके, और पलक भी नहा ली। तो यहाँ पे पूजा सारी सफाई हो चुकी है हमारी। थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा है, वैसे पेपर ऊपर सब खत्म हो गया लेकिन ऐसे ही पढ़ रहा है, वो फ्री बैठा है। तो यहाँ पे सारा काम हो गया, सारी सफाई वफाई सब हो चुकी है। ये पलक भी नहा ली है और पलक अपनी फ्रेंड से कुछ बात कर रही है। और यहाँ पे एक बज चुका है और तो वही बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो इसलिए हम रोज लेट उठ रहे हैं। अब 15 दिन तक यही चलता रहेगा, तो अब लेट खाना भी बन रहा है। तो इस किचन में बस आलू उबल के रेडी हुए हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आलू उबाल दिए, ये भी छीलने हैं, अभी आटा भी नहीं गूंदा है, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया और आलू को भी मिक्स करके अच्छे से तैयार कर लिया। तो बस यहाँ मैं जा रही हूँ पराठे बनाने के लिए, और भूख भी मुझे भी बहुत ज़ोरों से लग रही है, टाइम ज़्यादा हो चुका है। और पता लेट हो जाते हैं तो फिर सब कुछ बेकार ही लगता है, ना काम करने का मन करता है ना कुछ। इतना मन भी नहीं कर रहा था पराठे बनाने का, लेकिन भूख तो लग रही थी, बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले सोच रही थी कि चने बना लूँगी काले, उसके साथ चावल, और सुबह नाश्ते में हम ब्रेड खा लेंगे। लेकिन पलक के रेडी बोल रहे मुझे पराठे खाने हैं, पराठे बना दो आलू के। उनको ना पता है संडे के दिन आदत है उनकी, उनको पराठे नहीं खाया जाता, उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिर मैंने बना लिया। और यहाँ अर्पित भी मुझसे बोल रहा था कि मम्मी मेरे को भी आलू के पराठे खाने, तो अब मैं पहले अर्पित को दूंगी। यहाँ पलक खाती है आलू के पराठे में प्याज डाल के, तो उसके लिए भी मैं प्याज काट रही हूँ। और दो सबके ना अलग अलग नखरे हैं, कोई आलू खाली वैसे ही आलू खाएगा, कोई प्याज डाल के खाएगा। तो इन चीज़ों से मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं करता कुछ काम करने का। तो यहाँ मैंने पलक के पराठे में डाल दिया है प्याज, और यहाँ सबसे पहले मैंने अर्पित को ही दिया है अर्पित, और यहाँ ये दोनों बैठ के खा रहे हैं खाना। और अर्पित को तो पानी और चाय दोनों एक साथ ले रहा, तो मैं उसको डांट रही थी, ये लड़का चाय भी मांगता है। और मैं जैसे उसको डांटने लगी तो देखा थोड़ा सा पराठा लग ना हो गया, हो कहीं धुआं इतना हो रखा था, तब तो मुझे लगा था कि पराठा लग गया, लेकिन लगा नहीं था। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे इन दोनों बच्चों को जब तक खिलाऊंगी, तो उसके बाद उसके डैडी भी आ जाएंगे, तो हम मैं और उसके पापा साथ में खा लेंगे। और यहाँ पे ना दिन भर काम करते करते छुट्टी का टाइम है, तो मुझे अब लग रहा है कि पूरा दिन निकलना है ऐसे काम में। तो यहाँ मैंने अर्पित के डैडी के और पराठे लगा के तैयार कर दिया, उनको दही खानी थी और दही के साथ उन्हें चटनी अचार सब कुछ चाहिए था, इसलिए मैंने सब कुछ रख दिया है। क्योंकि वो ना एक पराठा दही से खाते हैं, तो एक पराठा अचार से खाते हैं, तो एक पराठा चटनी से खाते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें रख दी है ताकि उनको दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, सब कुछ मेरा काम तो पहले ही हो चुका था, बस किचन रह गई थी। और किचन जो खाएं वो बर्तन भी धोने पड़ेंगे, वो तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर रही हूँ सारी, और किचन साफ़ हो जाती तभी लगता है यार सारा काम हुआ है, नहीं तो किचन जब तक सफाई नहीं होती तो घर भी पूरा गंदा गंदा सा लगता है। और यहाँ खाने से आज मैं लग रहा था कि टाइम लग जाएगा, लेकिन हम 2-2.5 बजे तक फ्री हो गए थे। 2:30 बजे तक तो मैं फ्री हो गई थी खाना बना के, तो बस अभी बात का काम है। तो मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ, और बर्तन ना बहुत सारे हो जाते हैं, ये सब मक्खन मक्खन के बर्तन होते हैं थोड़े, वो भी देर लगती है उन्हें धोने में। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो के सारी किचन की पूरी सफाई करके, तो बस यही सोची थोड़ी देर बैठूँगी आराम से, क्योंकि काम मेरे सारे हो चुके हैं और यही रह गया था खाली किचन, तो उसको भी हो गया था, तो थोड़ा बैठने के लिए सोच रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड वगैरह लगा रही थी उसके गैस के, तो फिर मुझे ये ध्यान आया कि अर्पित को बनाना शेक बना के देना, तो वो मुझे बार बार बोल रहा था और मैं लेट नहीं जा रही थी, उसमें फ़ौरन याद दिला दिया मम्मी मेरा बनाना शेक बना देना। और यहाँ केले इसके पापा लेके आए थे कि इन्हें ज़्यादा भूख लगे ना, तो बीच बीच में केले खा लेंगे, क्योंकि ये ब्रेड खाता रहता है और ब्रेड पता है इतनी दिक्कत देती है, ब्रेड ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। वैसे तो ब्राउन ब्रेड लाते हैं हम, लेकिन फिर भी ब्रेड बार बार ब्रेड खाता है तो उसको डांटते हैं हम कि कुछ वैसे ही खा लिया, तो कहता है केला ला के रख देना, मैं केला खा लूँगा। तो देखो केला ला के रख दिया, लेकिन केला नहीं खा रहा है, के बनाना शेक बोल रहा है बनाने के लिए, कुछ ना कुछ इसको परेशान करने के लिए काम होता है ऐसा कि मम्मी ये कर दो मम्मी वो कर दो। तो यहाँ मैंने थोड़ा अर्पित का बनाया है, अर्पित को तो मेरे को देना ही, वो मांग रहा था। तो पलक को मैंने पूछा थोड़ा पियोगे, तो मना कर रही थी, फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा दे दिया कि पी लेगी। तो यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट भी रख लिए थे काट के, ताकि थोड़ा इसमें डाल दूँगी तो अच्छा लगता है ये काफ़ी। और यहाँ मैं ले जा रही हूँ, देखो पलक नखरे दिखाएगी, वो तो पीने की मनाही कर रही थी। अब देखो एक बच्चा पी रहा है तो दूसरा भी, उसको ये सब पलक को तो पीना चाहिए, पलक इतनी कमज़ोर है और लेकिन वो सुनती नहीं ये सब, उसको बाकी मैदे की जो भी चीज़ है वो खिला दो और चिप्स का पैकेट दे दो तो हंस के खा लेगी, लेकिन ये सब चीज़ों में इसके नखरे होते हैं। अभी भी मेरे को मना करी जा रही है कि मम्मी मुझे नहीं पीना नहीं पीना,
और मैं उसको डांट रही हूँ, भाई पी लो, ये ताकत की चीज़ है, तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे चेहरे पे इसके वाइट वाइट निशान भी पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये कैल्शियम की चीज़ें कुछ खाती नहीं है। तो यहाँ किचन की सफाई कितनी अच्छा लग रहा है यार, साफ़ सुथरी किचन देख के बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को सबसे ज़्यादा ये साफ़ हो जाता है तो मेरे को बहुत टेंशन दूर हो जाती है। तो मैंने यहाँ कुछ ऑर्डर करा था तो वो आ गया है मेरा, तो यहाँ मैं लेने जा रही हूँ नीचे से। और मैं अर्पित को बोल रही थी आप ले आओ, तो अर्पित नहीं ला रहा था और मैं नीचे आ गई, तो मेरे पीछे पीछे आ गया। अगर इन्हें भेजो तो मानते नहीं है, और नहीं भेजो तो फिर संग भी चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना नाइट सूट मंगाया था, ये मीशो से मैंने अपना नाइट सूट मंगाया था, पानी बहुत करते हैं तो देखते क्या आया है, ये सही है भी कि नहीं। कलर तो अच्छा लग रहा है ना, फिर प्लास्टिक वाला थोड़ी कटाना पड़ेगा इसको, लंबा लग रहा है ये, और ये मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है छोटा, क्योंकि अभी धोने के बाद थोड़ा सूखेगा तो और छोटा आ जाएगा। तो पहन कर देखो ना। हाँ मैं ये पहन के दिखाती हूँ, लेकिन ठीक लग रहा है ये। ये मैंने नाइट सूट मंगाया है, इसका थोड़ा सा पजामा लंबा थोड़ा सा लंबा ज़्यादा नहीं है, और वो भी सुख जाएगा, दोपहर तो नहीं कटवाना है इसे। तो ये कुर्ता भी सही आया है, तो कुर्ता थोड़ा नीचे आया है, और रेट इसकी ज्यादा नहीं है, इसलिए है सिर्फ 338 का, 410। वो तो चार्जेस लगे ना लाने के, पापा कह रहे हैं दो ऑर्डर करते तो उसको फ्री होता, तो मेरे को भी कर देते ना। मेरे को ट्राई करना था भाई, सही लग रहा है ना फिर। तो यहाँ इन दोनों को पराठे खाने के बाद थोड़ी सी भूख लगी, तो मैंने ये बनाई है मैगी, और ये मैगी तो कम लग रही है, चावल ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ छाछ रखी थी, तो अर्पित बोल रहा है कि मम्मी मुझे छाछ दे दो, तो थोड़ी थोड़ी दे दी मैंने दोनों को, कि ऐसा नहीं लगे कि उसको दे दी उसको नहीं दी। तो अर्पित ने छाछ में थोड़ी सी बूंदी डलवाई, पलक की मैंने ज़्यादा डाल दी थी, और ये फ्राई मैगी बनवाई है इसने मुझसे, कही थी मम्मी फ्राई मैगी बनाना। भाई ये छुट्टियाँ 15 दिन तक ये चलता रहेगा खाना पीना, बार बार बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहेगी, 15 दिन करनी है कड़ी मेहनत।